नमस्कार, रिग्रेशन एनालिसिस की सेकंड वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं चरणजीत अरोड़ा। रिग्रेशन एनालिसिस लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था, उस पर कुछ फॉर्मूले और कुछ प्रॉब्लम्स हमने करनी सीखी थी। आइए आज कुछ और बातें सीखते हैं और उन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कुछ फॉर्मूले। रिग्रेशन इक्वेशन जो कि y on x है, जिसे हम y is equals to a plus bx बोलते हैं, जहां पर b को रिग्रेशन कोफिशिएंट y on x बोला जाता है। लास्ट टाइम मैंने रिग्रेशन कोफिशिएंट y on x निकालना सिखाया था आपको। आज एक और फॉर्मूला बता रहा हूं आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए। रिग्रेशन कोफिशिएंट y on x अगर आप निकालते हैं तो उसके लिए आपके पास एक और फॉर्मूला, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ठीक है, ये उस सिचुएशन में जब आपके पास कभी कभी प्रॉब्लम्स में कोरिलेशन कोफिशिएंट गिवन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन x और y का भी दिया हुआ होता है और आपसे इक्वेशन मांग ली जाती है, रिग्रेशन इक्वेशन y on x आप निकाल करके दिखाइए। अब यहां से तो b की वैल्यू आ गई, तो इस रिग्रेशन इक्वेशन में b का वैल्यू मुझे मिल गया। अब चाहिए मुझे a का वैल्यू। इसके लिए एक बात और भी आपको ध्यान रखनी है कि जो x और y आपको वेरिएट्स गिवन है, उनका जो मीन होता है ना, वो मीन भी इस रिग्रेशन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यानी आप बोल सकते हैं y का मीन इज इक्वल्स टू a प्लस b। अब इस b को क्या समझना, b को ये रिग्रेशन कोफिशिएंट y on x निकाला समझना, और x का मीन, ठीक है। अब b तो आपने ऊपर से निकाल दिया, मीन ऑफ y और मीन ऑफ x आपको गिवन होगा, तो इस क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, आपके पास a का वैल्यू भी आ जाता है, करेक्ट। दूसरे नीचे चलते हैं रिग्रेशन इक्वेशन। अब की बार x और y की बात करूं, x और y की अगर आप बात करते हैं तो उसको आप लिखते हैं x इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश वाई, जहां पर बी डैश को रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y, बी x on y भी हम लोग लिखा करते हैं। इसके अंदर भी इस रिग्रेशन कोफिशिएंट x on y को निकालने के लिए फॉर्मूला आप समझ में आ गया होगा, r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ऊपर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y नीचे हम लोग प्लेस करते हैं। और बिल्कुल उसी तरीके से b निकल आया, या समझिए b डैश की वैल्यू आ गई आपके पास, करेक्ट। अब इस a डैश की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने आपको बताया कि जो मीन होता है इनका, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहां a b डैश का वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है ऊपर आपके पास, a डैश का वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट फैंटास्टिक, ठीक है। तो बस इतना ही सीखते हैं। अब इन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करता हूं आपके साथ। आइए देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। यह है जो क्वेश्चन मेरे सामने, given below the information about the capital employed and profit earned। capital किसी business में आपने लगाया, कितना पैसा लगाया और वो पैसा लगाकर कितना आपको profit हुआ over last 25 years, उस पर based data का आपको mean given है, capital earned, mean of that, standard deviation भी मुझे given है, ऐसे ही profit के लिए भी mean मुझे given है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी के, ठीक है। कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द कैपिटल एंड प्रॉफिट इज 0.92। द सम ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट फॉर द अबव डेटा इज, ठीक है। यहां पर आप देखते हैं कि प्रॉफिट जो है वो कितनी कैपिटल आपने लगा रखी है उस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि ये जो प्रॉफिट अर्न वाला पार्ट है, इसे आप y और इसे आप
x सपोज करके चलिए, तो आपके पास जो रिग्रेशन इक्वेशन बनेगी वो y on x वाली है ये, तो यहाँ इक्वेशन नहीं पूछा मेरे से, मेरे से तो सीधा सीधा सम ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट फॉर अबाउट डेटा। अब रिग्रेशन कोफिशिएंट का सम मांगा है आपसे, रिग्रेशन कोफिशिएंट आप जानते हैं y on x होता है और दूसरा होता है x on y, इन दोनों का सम कितना आएगा ये मेरे से पूछा गया है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला मुझे याद है, r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, कुछ इस तरह से प्लेस करना है मुझे। r आप इसमें से कॉमन लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ये मेरे पास आ जाएगा। इन सब की वैल्यूज है मेरे पास, तो प्लेस किया मैंने 0.92, y के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू 6 अपॉन में 5 और दूसरी तरफ 5 अपॉन 6, और इसको मुझे कैलकुलेशन कर लेना। कैलकुलेशन जब मैं इसका कर लूंगा तो मेरे पास रिजल्ट 1.871 आ जाने वाला है। आसान सी बात है, बड़ी आसानी के साथ मैंने इसको कर लिया, और अगर आप इसको सेपरेट सेपरेट भी निकालना चाहो तो सेपरेट सेपरेट भी आप इसको कैलकुलेट करके फिर ऐड कर दीजिए, तो इट मीन द ऑप्शन नंबर 1 दैट इज द करेक्ट। आसानी से समझ में आ गया, जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए उनको आपने अप्लाई किया और कैलकुलेट करके बता दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास गिवन द फॉलोइंग डाटा। अब की बार भी उसी तरह की चीज है, x एंड y, मीन गिवन x वाली टर्म्स का, y वाली टर्म्स का, वेरिएंस भी गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी गिवन है। कहते व्हाट मस्ट बी द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ y, इसका मतलब y की वैल्यू मुझे गिवन है, x की वैल्यू गिवन है, मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करके देना है, ठीक है। तो जब x की वैल्यू गिवन हो, y को आपने फाइंड आउट करना हो, प्रिडिक्ट करना हो, तो हम लोग इक्वेशन कौन सी y on x लेकर के चलते हैं, ठीक है। आपको प्रिडिक्शन करना है y का फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ x, तो आपको रिग्रेशन इक्वेशन जो कंसीडर करनी है दैट इज y on x, और y on x होता है y is equals to a plus bx, ठीक है। अब सबसे पहले मैं b की वैल्यू निकालूं, b का मतलब है रिग्रेशन कोफिशिएंट y on x, जिसके लिए आपको फॉर्मूला बताया गया r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। r का वैल्यू है मेरे पास 0.6, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, y वाली टर्म का वेरिएंस गिवन है मुझे, स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे निकालना है, तो इस 9 का अंडर रूट करेंगे और ऐसे ही अपॉन में 4 का रूट करेंगे, इट मीन आपके पास आ जाएगा 0.6 एंड दिस इज 3 दिस इज 2, करेक्ट, यानी 0.6 इंटू 1.5, तो ये आ गया 0.9 है। तो 0.9 इज द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट y on x, ये तो b का वैल्यू निकल गया दिस वन। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि y बार इज इक्वल्स टू a प्लस b x बार, इसका यूज करके आप a का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। y बार mean for the y that is 98, value of a नहीं मालूम अभी मुझे, b का वैल्यू इज 0.9 एंड x बार इज 80, करेक्ट, दैट इज 98 a और 80 को 0.9 से करेंगे तो 72 आ जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू 98 माइनस 72 कितना आया, दैट इज 26। तो आपके पास a भी आ गया, आपके पास b ऑलरेडी गिवन है यहां पर फाइंड आउट कर लिया आपने,
तो रिग्रेशन इक्वेशन y on x लिख लीजिए, y is equals to a is 26 plus b is 0.9 into x. This is the regression equation y on x. अब क्या पूछा क्वेश्चन में, what must be the most likely value of y? x का वैल्यू कितना गिवन है, 90. तो y का वैल्यू when x is equals to 90, 0.9 and 90 here, right? This is 26 और ये आ गया 81, add कर दीजिए 107. Is it fine? तो आपके पास this option is correct. तो x का value अगर 90 है, तो y का value जो आपने predict किया, that will be 107, 107. Is it correct? Right. Next question है मेरे सामने. The following data relate the expenditure on advertisement in thousands of rupees and the corresponding sales in lakhs of rupees. Advertisement पर कितना खर्च किया? ये आपके पास thousand of rupees है और उसका sales जो है वो कितना आया? वो आपके सामने given है. Find an appropriate equation. अब देखिए यहां नहीं उसने बोला आपसे, यहां तो क्वेश्चन कर दिया appropriate equation, यानी अपने आप सोचो कौन सी इक्वेशन होनी चाहिए. अब आपको ये मालूम है, थोड़ा सा सोचना है कि भाई एडवर्टाइज अगर हम करेंगे तो सेल उसी के आधार पर बढ़ेगी. यानी एडवर्टाइज को अगर मैं एक्स मान लूं तो वाई उस पर डिपेंड होगा, क्योंकि एडवर्टाइज ज्यादा करोगे सेल बढ़ेगी आपकी, इन जनरल तो यही माना जाता है हम लोगों. तो इसलिए हमें क्या इक्वेशन निकालनी है, तो एप्रोप्रिएट इक्वेशन जो उसने बोली मुझे, तो दैट एप्रोप्रिएट इक्वेशन इज वाई ऑन एक्स. एप्रोप्रिएट इक्वेशन इज वाई ऑन एक्स, या कह दीजिए सेल्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, है ना, वाई ऑन एक्स का मतलब सेल्स ऑन एडवर्टाइजमेंट. तो वाई ऑन एक्स इक्वेशन मुझे निकालनी है, और वाई ऑन एक्स के लिए आपको मालूम है कि ए प्लस बी एक्स हमको निकालना है. आपको ए की जरूरत पड़ने वाली है, आपको बी की जरूरत पड़ने वाली है. बी जो है वो रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स है, और साथ साथ ए कांस्टेंट आपके पास है. आइए देखते हैं किस तरह से इसको फाइंड आउट. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सिग्मा एक्स, यानी एक्स वाली टर्म्स जो कि मेरे पास एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट है, इन सबको ऐड कर लेते हैं. 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 5, 45, 2, 47 और 8, 55. This is 55. इसी तरीके से सिग्मा वाई का वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर लेते हैं, वो मेरे पास आ रहा है 130. फिर x इनटू y भी हम लोग करते हैं, यानी इनका मल्टीपल 18 और 8 का, 10 और 20 का, 10 और 22 और 10 का, तो that gives me सिग्मा x इनटू y. उन सब का सिग्मा मैंने किया 1284, और लास्ट में मैंने सिग्मा एक्स स्क्वायर और देन सिग्मा वाई स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ने वाली मुझे. तो सिग्मा एक्स स्क्वायर मैंने निकाला, तो एक्स वाली टर्म्स का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 एंड 15, इन सब का स्क्वायर करके मैंने ऐड किया, तो दैट गिव्स मी 633, करेक्ट. अब हम निकालते हैं पहले रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स, जिसे बी बोल रहा हूं वहां पर. तो उसके लिए देखिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैं लिखता हूं आपके सामने, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर. This is the formula. तो n मेरे पास कितना? n number of terms. 1, 2, 3, 4 and 5. तो n के place पर 5. Sigma x into y. 1284 minus sigma x. That is 55. Sigma y 113. तो that is 55 and 113 divided by n mean 5. Sigma x square. That sigma x square is 633 minus sigma x whole square
55 होल स्क्वायर वैल्यू प्लेस किया, और वैल्यू प्लेस करने के बाद आप इसका कीजिए कैलकुलेशन, और वो कैलकुलेशन मुझे क्या दे देगा, दैट कैलकुलेशन गिव मी 1.4643, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब ये रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स तो आ गया, इसके बाद आपको मालूम है कि अरिथमेटिक मीन भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब अरिथमेटिक मीन जब आप इसका निकालेंगे तो y बार इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स बार। अब b का वैल्यू तो मेरे पास निकल गया, a का वैल्यू अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो आप क्या करो, y बार में से माइनस कर लो b x बार, ठीक है, यानी मुझे x बार और y बार की भी जरूरत पड़ने वाली है। आइए x बार निकालते हैं यहां से, x बार कितना, सिग्मा एक्स को यानी एक्स वाली सारी टर्म्स को नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दो, तो दैट इज 55 और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n इज इक्वल टू 5 है, तो दैट गिव्स मी 11, ये मेरे पास 11 आ जाएगा। एक्स बार के प्लेस पर आप 11 पुट कर दीजिए। ऐसे वाई बार अगर आप निकालेंगे तो सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन, सिग्मा वाई 113 है, 113 को भी आपने 5 से डिवाइड कर दिया, तो 113 को 5 से डिवाइड किया तो 22.6 आ जाएगा मेरे पास, बस। तो अब यहां पुट करूं अगर मैं से, तो a का वैल्यू आया मेरे पास a इज इक्वल्स टू y बार मीन 22.6 माइनस b, b का वैल्यू आपके पास 1.4643 और x बार इज 11, इसे भी कैलकुलेट करें, तो इसे कैलकुलेट करने से a का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 6.4927, दिस इज द वैल्यू ऑफ a। यहां पर b का वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है, तो क्वेश्चन उसने पूछा था फाइंड द एप्रोप्रिएट इक्वेशन, जिसे आपने बोला था y ऑन x, तो y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, दिस इज माई रिग्रेशन इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू a, व्हाट इज a, दैट इज 6.4927 प्लस b 1.4643x, दिस इज द appropriate equation which is y on x is the result, correct। तो इस तरीके से आज हमने कुछ और नया सीखा इस regression analysis के second video में, थोड़ा सा practice कीजिए, इसके आगे एक वीडियो, एक या दो वीडियोस और अभी हम शेयर करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस पर। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।